हेलो गाइस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फ व्हाट इज अ लिम्फ लिम्फ कैसे प्रोड्यूस होता है आज बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगी आपको लिम्फ हमारी बॉडी में कैसे बनता है और अपना वर्क करने के बाद लिम्फ कहाँ चला जाता है ठीक है तो दिस वन इज अ कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेल है हमारे ये बॉडी के सेल है ओके द ग्रुप ऑफ अ सेल इज कॉल्ड अ टिश्यू ओके okay, सेल्स के बीच में मिलने वाले स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस दिस वन इज इंटर इंटरसेलुलर स्पेस वन इंटरसेलुलर स्पेस ओके तो यहाँ पे टिश्यू क्यूड कैसे आ जाता है ओके दिस वन इज अ कैपलरीज ओके दिस वन इज अल्ड कैपलरीज कैपलरी इतनी माइन्यूट्स होती है कि यहाँ से परमेबल की कंडीशन बन जाती है यानी कि कुछ सेल्स यहाँ पे जा सकते हैं टिश्यू फ्लूड में तो कौन से होंगे मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट्स तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि डब्ल्यू में सबसे छोटी डब्ल्यू में सबसे छोटी टाइप होता है लिम्फोसाइट्स का लिम्फोसाइट्स ही हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं लिम्फोसाइट ओके तो डब्ल्यू बी सी के टाइप फाइव टाइप्स की होती है डब्ल्यू जिसमें लिम्फोसाइट सबसे छोटी सेल्स सबसे छोटी डब्ल्यू बी सी तो क्या ये यहाँ पे जा सकती है परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यस yes, सबसे छोटी सेल है तो यहाँ पे बीच में जा सकती है यहाँ पे जाने के बाद कुछ छोटी प्लाज्मा प्रोटीन लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन तो नहीं जा पाएगी स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन वाटर कंटेंट और थोड़े डब्ल्यू बी सी थोड़ी प्लेटिलेट्स कह सकते हैं यस yes. और कुछ अमाउंट कुछ सेल्स प्लेटिलेट्स की तो इसको मिलके बन जाता है लिम्फ ओके okay? तो इन सबको मिलके क्या बन जाता है लिम्फ लिम्फ हमारा यहाँ पे टिश्यू फ्लूड की तरह भी है और लिम्फेटिक वेसल्स में भी है हमारे बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स होती है वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स ओके okay. तो so, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं वैसे ही हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट हैं जिसमें लिम्फ सर्कुलेट होता है अच्छा व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस इंटरसेलर टिश्यू फ्लूड यानी लिम्फ जब सेल्स के बीच में है तब इसका क्या रोल है इट इज़ एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन आ सेल एंड ब्लड ओके जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये मेन रोड है मेन रोड पे आपके स्कूल की बस आती है आपका घर थोड़ा अंदर है जहाँ पे स्कूल बस नहीं पहुँच पाती तो क्या होगा कोई एक पर्सन आपके मदर या फादर में से कोई आपको लेके जाएंगे मेन रोड पे और कोई होंगे जो आपको जब स्कूल का टाइम ओवर हो जाएगा तो आपको वापस घर पर लेकर आएंगे ओके तो जो आपको लेके जा रहा है और वापस लेके आ रहा है पिक एंड ड्रॉप की सिचुएशन कर रहा है मेन रोड तक तो वो क्या है मीडिएटर और मिडिल पर्सन जो कि ये वर्ड कर रहा है ओके तो ऐसे तो ही लिम्फ ऐसी सेल जहाँ पे डायरेक्टली कैपिलरीज नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पे लिम्फ ऑक्सीजन की सप्लाई न्यूट्रिएंट की सप्लाई के ये सब कर रहा होता है और हर एक सेल के अंदर सी टू बनता है हर एक सेल के अंदर सी टू का फॉर्मेशन होता है क्योंकि उस सेल को क्या करना होता है ग्लूकोज को डिग्रेडेट करके एनर्जी लेनी होती है तो हर एक सेल में सी ज्यादा होता है याद रखना हर एक सेल या हमारे टिश्यू में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है टिश्यू के आसपास उसमें CO2 का लेवल हमेशा ज्यादा मिलता है अच्छा तो यहाँ पे देखेंगे कि ये CO2 को भी ब्लड में वापस पहुँचाएगा कौन लिम्फ। तो वो जो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है उसमें लिम्फ एक्ट एज अ मीडिएटर ओके सो इट्स अ मीडिएटर बिटवीन आवर सेल एंड ब्लड जहां पे कैपिलरीज डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है सेल के ओके तो लिम्फेटिक अब लिम्फ जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में बह रहा है उसका क्या रोल है इम्यूनिटी बिल्डअप करना कोई भी पैथोजन बॉडी में अंदर एंटर किया है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना उसको पहचानना उसके शेप का एंटीबॉडी बनाना सारा काम लिम्फ का है ओके तो लिम्फ एक्ट एक्ट करेगी रिएक्ट करेगी जब भी किसी पैथोजन का अटैक होगा अब लिम्फेटिक ऑर्गन पे आते हैं हमारे जो ऑर्गन लिम्फ को बनाने का काम कर रहे हैं इज कॉल्ड अ प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन जो ऑर्गन लिम्फ को बनाने का काम कर रहे हैं इज कॉल्ड अ प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन यस प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन इज अ थाइमस ग्लैंड इज अ स्प्लीन स्प्लीन इज अ लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेवयार्ड ऑफ आर rbc की एक लाइफ स्पैन होती है 120 डेज उसके बाद rbc स्प्लीन में चली जाती है ठीक है नाउ इट्स अ थाइमस ग्लैंड स्प्लीन के तो यहाँ पे दो हमने प्राइमरी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं नेक्स्ट वन इज अ सेकेंडरी लिम्फेटिक organ सेकेंडरी लिम्फेटिक organ जहाँ पे लिम्फ का स्टोरेशन होता है जहाँ पे लिम्फ स्टोर होता है जैसे टॉन्सिल्स

आरबीसी नहीं है लिम्फ कलर लेस है कौन सी सेल प्रेजेंट थे प्रेजेंट थे क्यों क्योंट यहाँ साइज ऑफ इज यस वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है आयंस वो तो आ ही जाएंगे छोटे फॉर्म में है एंड वाटर देर आर नो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन लार्ज लिखेंगे स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन आ जाती है लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल्ब्यूमिन एल ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फेब्रिनोज़े। तो ये लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे लिंफ में नहीं आ पाते हैं। लेस नंबर ऑफ़ अप्लेटेलेट्स, प्लेटेलेट्स भी यहाँ पे बहुत कम। बताया था मैंने आपको। तो दिस आर द कंपोजिशन ऑफ़ द लिंफ, ओके? तो ये पूरा कंपोनेंट लिव का आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा इफ़ एनी डाउट्स एंड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते ओके थैंक यू